बात करते हैं पश्चिमी यूपी की। यहां चुनाव से पहले बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त शिकोहाबाद में घर घर प्रचार कर रहे हैं और आज बड़ा दिन है सभी बीजेपी नेताओं के लिए। काफी सारे नामी नेता आज चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे हैं। कासगंज और फरुखाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो यहाँ जेपी नड्डा है जो शिकोहाबाद में घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं और मतदाताओं को याद दिला रहे हैं योगी सरकार में जो भी उत्तर प्रदेश ने उपलब्धियां प्राप्त की है, जिस तरह का विकास का कार्यक्रम हुआ है उसके लिए जेपी नड्डा आज शिकोहाबाद इलाके में पहुंचे हैं और घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए। पश्चिमी यूपी की लड़ाई है, काफी बड़ी लड़ाई है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और यहां पर जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी नामी चेहरे, सभी बड़े नेता आज प्रचार के दौरान मैदान में उतरे हैं। जेपी नड्डा की बात कर लीजिए, राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार के लिए आज मैदान में उतरे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके लिए आ रही हैं शिकोहाबाद से। उत्तर प्रदेश में आज है जेपी नड्डा और घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए। इससे पहले कासगंज में जनता को संबोधित किया राजनाथ सिंह ने और वो भी फरुखाबाद में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। वहीं अगर आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो वो इस वक्त प्रचार कर रहे हैं शिकोहाबाद में और इसके बाद हो सकता है कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करें भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें जीत का मंत्र दें और प्रचार के दौरान किन बातों पर ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा, केंद्र रहेगा बीजेपी का, उस पर ज़रूर जोर देंगे। पश्चिमी यूपी के ही कासगंज में आज राजनाथ सिंह बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन से पहले कार्यकर्ताओं से संवाद में राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी के लिए बीजेपी सबसे बेहतर सरकार साबित हुई है, बीजेपी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। चाहे कांग्रेस की सरकारें पहले रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हो, सब पर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यहां तक कि जो मुखिया हुआ करते थे उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन इतनी बात में दावे के साथ सीना ठोक कर मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, चाहे हमारे दिल्ली की मोदी जी की हमारी सरकार हो, चाहे यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। उत्तर प्रदेश चुनाव में वार पलटवार लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी पर आपराधिकरण का आरोप लगाने वाली बीजेपी को अब अखिलेश ने जवाब दिया है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी के आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की संख्या अब शतक पूरा करने वाली है। अब तक बीजेपी ने आपराधिक छवि वाले 99 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन अब शतक में बस एक ही बाकी है। तो वहीं अखिलेश को बीजेपी की ओर से यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने जवाब दिया है। मोहसिन रजा ने कहा है कि जेल में बंद अपराधियों को टिकट देने वाले अखिलेश पहले अपनी पार्टी की लिस्ट देख लें। देखिए अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी खूब जानती है कि अपराधी कौन होते हैं और जिस तरह से उन्होंने टिकट वितरण किया है वो साफ जाहिर है और देश ही जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आवाज उठ रही है कि अपराधियों के सिवा समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं है। और इस तरह की अनर्गल बात करके कि उनके पास इतने हैं और उन्होंने इतने अपराधियों को टिकट दे दिया, ये कहने में और करने में बहुत फर्क है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लगातार अपराधियों को टिकट दिए हैं। कुछ अपराधी जेल में हैं और कुछ बेल पर हैं, तो सभी को टिकट उन्होंने दिए हैं और कुछ को बाद में टिकट देने के बाद भी जेल भेजा गया है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि अपराधियों को महिमा मंडित सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है और ये उनका अपना कहना, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये हार है, हताशा और निराशा है। तो चुनाव के बाद क्या योगी ही यूपी के सीएम बनेंगे? एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी गंगा से बात करते हुए योगी ने क्या कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता योगी है और जो भी बनेगा वह योगी के रूप में ही बनकर के प्रदेश के लिए उपयोगी होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।